लीनियर प्रोग्रामिंग में टॉपिक चला है सेंसिटिविटीज एनालिसिस का, वीडियो नंबर है 5। तो इसमें एक आर्टिकल है वेरिएशन इन द रिक्वायरमेंट वेक्टर बी, वेरिएशन इन द रिक्वायरमेंट वेक्टर बी, नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें सेंसिटिविटी एनालिसिस में एक टाइप का क्वेश्चन हो चुका है, अब दूसरा टाइप इस पर डिपेंड करता है वेरिएशन इन द रिक्वायरमेंट वेक्टर बी पर। इसमें जैसे कि कोई कंडीशंस होती है, कोई ऑप्टिमल कंडीशन होती है, वी नो दैट कोई कंडीशन यानी कोई कंडीशन ऑफ द ऑप्टिमल फॉर द BFS यानी कि वेसिबल फिसिबल सॉल्यूशन के लिए फॉर ए LPP इज, तो वहाँ पे जो डेल्टा जे लिया जाता है यानी कि डेल जे, जो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 की वैल्यू हम निकाला करते हैं, तो वहाँ पे डेल्टा जे का फॉर्मूला लगता है डेल्टा जे इक्वल टू CJ माइनस का ZJ। ठीक है, डेल्टा जे डज नॉट इन्वॉल्व एनी ऑफ BIs यानी कि डेल्टा जी की जो वैल्यूज़ है वो BIs की वैल्यूज़ पर डिपेंड नहीं करती है, BIs पर डिपेंड नहीं करती है। यदि कोई कंपोनेंट, इफ़ एनी कंपोनेंट BIs ऑफ द रिक्वायरमेंट वेक्टर बी, अगर वेक्टर बी में उसका रिक्वायरमेंट है यानी कि बी वेक्टर बी में उसके जो एलिमेंट है B1 B2 B3 .. BM है, तो इज चेंज द, तो वह क्या होगा, इज चेंज यानी कि बी में BIs के टर्म होंगे B1 B2 B3 एंड BM हो मे बी और भी हो सकते हैं, इज चेंज देन दिस चेंज विल नॉट इफोर्ड द कंडीशन ऑफ ऑप्टिमलिटीज यानी कि जो कंपोनेंट्स होगा BIs का कंपोनेंट्स है BI प्लस डेल्टा BI में चेंजिंग होगा, हैंस द चेंज BI टू BI प्लस डेल्टा BI यानी कि चेंज होगा BI इसमें डेल्टा BI का, देन XB इक्वल टू होगा B इनवर्स B, तो XB इक्वल टू हो जाएगा B इनवर्स B डिपेंड ऑन B यानी कि ये B पर डिपेंड करेगा। द चेंज ऑफ B मे बी इफोर्ट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन यानी कि B में जो चेंज होगा वो भी इस पर इफोर्ट करेगा। ठीक है, लेट करते हैं, लेट कोई कंपोनेंट है BI ऑफ द रिक्वायरमेंट वेक्टर, लेट द कंपोनेंट कोई कंपोनेंट है कंपोनेंट BI ऑफ द रिक्वायरमेंट वेक्टर बी चेंज यानी कि BI वाला जो चेंज हो रहा है BI वाला जो चेंज हो रहा तो BI प्लस का डेल्टा BI में चेंज होगा। ठीक है, अगर I की जगह L लिख दें तो BL प्लस का डेल्टा BL में चेंज होगा, तो इस तरह से इसका चेंजिंग हो सकता है। द न्यू रिक्वायरमेंट जो इसमें जो न्यू रिक्वायरमेंट बनेगी वो डिनोट कर सकते हैं न्यू रिक्वायरमेंट, डिनोट होगा बी स्टार से, तो बी स्टार इक्वल टू होगा B1 B2 .. BI प्लस का डेल्टा BI .. BM, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर B1 B2 .. BL प्लस का डेल्टा BL है .. BM इस तरह से एलिमेंट है तो यहाँ भी लिखे जा सकते हैं, अगर I की जगह L हो तो BL प्लस का डेल्टा BL के टर्म में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट, XB की जगह XB स्टार लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे न्यू रिक्वायरमेंट B स्टार में लिया है। ठीक है, तो B स्टार में लिया है तो XB जो होगा वो भी XB स्टार में लिया जाएगा। इफ़ XB स्टार इज द सॉल्यूशन ऑफ न्यू LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स यानी कि XB स्टार इज द सॉल्यूशन ऑफ न्यू LPP एंड चेंजिंग वेरिएबल होगा चेंज्ड VL टू BL प्लस का डेल्टा BL में BL प्लस डेल्टा BL, I में होगा तो BI प्लस का BI प्लस डेल्टा BI, L है तो BL प्लस डेल्टा BL के टर्म में होगा, एंड XB स्टार होगा B इनवर्स B स्टार। ठीक है, बेहर B इज़ द ऑप्टिमल बेसिस B is the optimal basis and B inverse equal to होगा beta 1 beta 2 .. beta L .. beta
एम लास्ट टर्म बेटा एम लिया, एम वेरिएबल्स उसके माने हैं, तो बी इनवर्स का जो टर्म्स बनेगा वो बनेगा बीटा वन वन, बीटा वन टू, डॉट डॉट बीटा वन एल एंड बीटा वन एम, एंड यहाँ पे बनेगा बीटा टू वन, बीटा टू टू, डॉट 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 बीटा टू एल, डॉट 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 बीटा टू एम, बीटा बीच में डॉट 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 एंड बीटा आई एल, बीटा आई टू, बीटा आई एल, आई वन होगा, आई वन, आई टू, आई एल का टर्म है तो एल होगा और यहाँ पे होगा आई एम, और इसी प्रकार लास्ट में होगा बी एम ए, एम वन, एम टू, एम एल एंड बी एम एम, इस तरह से इसके एलिमेंट दिए जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट में ये इस तरह से एलिमेंट इसके लिए जा सकते हैं। अब आगे जो टर्म्स बनेगा तो ये बन गया बीटा, बीटा इनवर्स का फॉर्मूला, बेहर बी स्टार, बी स्टार इक्वल टू लिया था बी वन, बी टू, डॉट डॉट बी एल प्लस का डेल्टा बी एल एंड डॉट डॉट बी एम, इस तरह से इसमें टर्म लिया था। ठीक है, तो ये होगा बी वन प्लस ज़ीरो एंड बी टू प्लस ज़ीरो, डॉट 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 बी एल प्लस का डेल्टा बी एल, डॉट 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 बी एम प्लस ज़ीरो बी स्टार, ये हो जाएगा बीटा वन, बीटा टू, डॉट 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 बीटा एल, डॉट 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 बीटा एम प्लस ज़ीरो ज़ीरो एंड डेल्टा बी एल, डॉट 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 ज़ीरो, ये हो जाएगा बी, इसको कहेंगे बी, बी स्टार इक्वल टू बी प्लस ज़ीरो ज़ीरो, डॉट 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 डेल्टा बी एल एंड ज़ीरो, यानी कि एक्स बी स्टार इक्वल टू बनेगा बी इनवर्स बी स्टार। ठीक है, तो x या x स्टार b इक्वल टू होगा b इनवर्स b स्टार की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये आया है b प्लस ये ज़ीरो ज़ीरो, डॉट 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 डेल्टा बी एल, डॉट 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 ज़ीरो, इस तरह से टर्म्स इसका बन जाएगा। यानी कि b इनवर्स है, अंदर मल्टीप्लाइंग होना है, तो x x स्टार b इक्वल टू होगा b इनवर्स b प्लस का b इनवर्स ज़ीरो ज़ीरो, डॉट 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 डेल्टा बी एल एंड ज़ीरो। ठीक है, इस तरह इसका कंपोनेंट लिया जा सकता है। देन बी इनवर्स बी क्या होता है, एक्स बी हुआ करता है, देन एक्स इनवर्स बी, नेक्स्ट लाइन बनेगा ये एक्स इनवर्स वो सॉरी एक्स स्टार बी इक्वल टू हो जाएगा एक्स बी प्लस ये होगा बीटा वन, बीटा टू, डॉट डॉट बीटा एल एंड डॉट डॉट बीटा एम एंड ब्रैकेट में ज़ीरो ज़ीरो डेल्टा बी एल एंड ज़ीरो, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये बन गया इतना हमारा बीटा वन, बीटा टू, डॉट 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 बीटा एल। ठीक है, इसका वेरिएबल्स ये तो एक्स बी हो गया, इसका अंदर टर्म्स ले लिया है, और ठीक है इनकी बी इनवर्स के टर्म में इसको लिख दिया है। और नेक्स्ट लाइन बनेगा एक्स बी, एक्स बी प्लस बी एल इंटू डेल्टा बी एल, बाकी एलिमेंट मल्टीप्लाइंग होकर ज़ीरो हो जाएंगे, ये और ये वाला बचेगा है ना बी एल, बीटा एल सॉरी ये बीटा है, बीटा एल इंटू डेल्टा बी एल। अब इसको लिखा जा सकता है एक्स बी वाला जो टर्म्स है, एक्स बी को हम लिख सकते हैं एक्स बी वन कॉमा एक्स एक्स बी टू डॉट 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 एक्स बी एल डॉट 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 एक्स बी एम प्लस योगा बीटा वन एल एंड बीटा टू एल डॉट 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 बीटा वन एल डॉट 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 बीटा एम एल एंड डेल्टा बी एल। अब यहाँ पे एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। ठीक है, कुछ एलिमेंट ऐड होने के बाद जो टर्म्स बनेगा उसको लिखा जा सकता है। नेक्स्ट लाइन जो बनेगा, यानी कि इनका इसमें मल्टीप्लाइंग होना है, मल्टीप्लाइंग होने के बाद जैसे इसका इसमें मल्टीप्लाइंग हो जाए, अदर आगे मल्टीप्लाइंग हो जाए, ठीक है, और उसके बाद ऐड करके जो लिखे जाएंगे वो बनेंगे एक्स बी वन, एक तो होगा एक्स बी वन, ठीक है, बीटा वन एल डेल्टा बी एल, यहाँ पहला वाला लिखा और ये इसके साथ लिख दिया, ऐसे ही उसके आगे भी चलते रहेंगे डॉट 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 डॉट, जैसे ये फर्स्ट ये सॉरी ये इनटू ये,
ऐसे ही सबके साथ इसी तरह से डॉट डॉट करके लिखा जाएगा। तो नेक्स्ट में बनेगा बीटा डॉट डॉट डॉट, बीच में बनेगा बीटा वन एल डेल्टा वी एल डॉट 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 एक्स बी एम प्लस का बीटा एम एल एंड डेल्टा बी एल। ठीक है, इसको हम इस तरह से हम क्वेश्चन ले सकते हैं। नाउ द सॉल्यूशन, ये चल रहा है हमारा एक्स स्टार बी। इफ़ नाउ द सॉल्यूशन इज फिजिबल, नाउ एक्स स्टार बी इज फिजिबल सॉल्यूशन है, तो फिजिबल है तो एक्स बी एल बी आई एक्स बी आई प्लस का बीटा आई एल एंड डेल्टा वी एल इज ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, एंड फोर आल आई इक्वल टू वन टू डॉट 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 एम के लिए एंड बीटा आई एल डेल्टा बी आई डेल्टा सॉरी बी एल डेल्टा बी एल इज ग्रेटर एंड इक्वल टू माइनस का एक्स बी आई। तो यहाँ से कंडीशंस हम निकाल सकते हैं, डेल्टा बी आई बी एल की क्वांटिटीज निकाल सकते हैं। तो डेल्टा बी एल की यहाँ से वैल्यूज निकल सकती है, तो उसके दो वैल्यूज पर डिपेंड करेगा, यानी कि डेल्टा बी एल ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स एक्स बी आई अपॉन बीटा आई एल है। ये कब होगा, जब कि बीटा आई एल बड़ा होगा जीरो से एंड डेल्टा बी एल छोटा है या बराबर है एक्स बी आई अपॉन बीटा आई एल के लिए फोर बीटा आई एल इज लेस देन टू जीरो। तो इन दो क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करेगा, तो उसका लेना होगा हमको रेंज, यानी कि मैक्सिमा एंड मिनिमा टर्म्स लेके हम निकाल सकते हैं। यानी कि मैक्सिमा में लेंगे तो बीटा आई एल इज ग्रेटर टू ज़ीरो, यानी कि एक्स बी आई अपॉन बी आई एल। तो यहाँ पे हम मैक्सिमा मिनिमा में निकाल सकते हैं, कहाँ पे ये मिनिमा क्वांटिटीज़ बन रहा है और कहाँ पे ये मैक्सिमा, यानी इसकी वैल्यूज़ कितना आती है, ये पहले भी करते आए हैं, पिछली वाली प्रॉपर्टीज़ में भी करते आए हैं। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद टू फाइंड द चेंज इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को किस तरह से चेंज करना है लास्ट पॉइंट इसमें बनता है। तो पहले तो ये टर्म्स लेना होगा और इसी आर्टिकल्स में, यानी इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसमें लास्ट हमें लेना होगा टू फाइंड द चेंज इन द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, टू फाइंड द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो इस टर्म में यानी कि z इक्वल टू जो सॉल्यूशन होगा सी बी इन टू एक्स बी, यानी कि समीशन i इक्वल टू वन टू m एंड c bi आई डॉट एक्स बी आई इस तरह से होगा। यानी कि z जो bi का चेंज हुआ है, bi का चेंज bi प्लस का डेल्टा bi में होगा एंड bl इज चेंज, अगर bl लेते हैं तो bl का चेंज है bl प्लस का डेल्टा bl में। ठीक है, तो जेड स्टार अगर लिया जाए, इफ़ जेड स्टार लेंगे तो सी बी इंटू एक्स स्टार बी लिया जाएगा, है ना, तो एक्स स्टार बी के टर्म में लिया जाएगा। तो यहाँ पे जेड स्टार जो न्यू सॉल्यूशन आया था, तो ये हो जाएगा सी बी वन सी बी टू डॉट डॉट सी बी एम एंड ये हो जाएगा एक्स एक्स बी एम एंड वन एल डेल्टा बी एल डॉट डॉट एक्स बी एम बी एम प्लस बी एम एल एंड डेल्टा वी एल। कुछ क्वान्टिटीज ऐसा हुआ करता है कि आर्टिकल में कंफर्म नहीं होती, न्यूमेरिकल करते हैं तो कंफर्म हो जाया करती हैं। तो यहाँ पे अब इसका आगे न्यूमेरिकल होगा नेक्स्ट वीडियो से। तो कुछ पॉइंट है जो न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है तो आसानी से क्लियर हो जाया करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन इसको लिख सकते हैं समीशन आई इक्वल टू वन टू एम सी बी आई इंटू एक्स बी आई प्लस का समीशन आई इक्वल टू वन टू एम सी बी आई बी आई एल एंड डेल्टा बी डेल्टा सी बी आई एल एंड डेल्टा बी एल। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है जेड, तो ये जेड का टर्म्स है, यानी कि जेड इसका स्टार इक्वल टू बन जाएगा जेड स्टार इक्वल टू जेड प्लस का समीशन आई इक्वल टू वन टू एम सी बी आई इंटू बीटा आई एल इंटू डेल्टा वी एल। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ से बनाई जा सकती है, जेड स्टार हमको निकालना होगा, यही यहाँ पे सॉल्यूशन निकाला जाता है।